हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं रिगार्डिंग ओपन मैट। ओपन मैट का रिजल्ट आ चुका है बट ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। इग्नू के तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ओपन मैट का रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे ओपन मैट मतलब एमबीए का जो एंट्रेंस हुआ था उसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, आप क्वालिफाइड हो या फिर नहीं हो, इतना आप अभी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा और आप अपना ओपन मैट का रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो इग्नू से रिलेटेड कुछ भी आपको वीडियो चाहिए तो आपको इस चैनल पर मिल जाता है, लाइक सॉल्व असाइनमेंट, पीवीसी क्वेश्चन सॉल्यूशन, टर्म एंड एग्जाम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट अपडेट। और बीए नोएडा के काउंसलिंग के लिए भी हम लोग वीडियो अभी बनाएंगे, एमबीए के काउंसलिंग के लिए किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है, तो हर एक स्टेप इसमें आपको पता चल जाता है, राइट। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन सिंपल सा गूगल पे आएंगे एंड देन फिर इग्नू सर्च करेंगे, उसके बाद फिर हम सर्च कर लेंगे, देन फिर आपको ये आ जाएगा वेबसाइट ignu.ac.in, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, थोड़ा सा मोबाइल में आपको अलग दिखेगा बट अगर आप लैपटॉप से खोलो तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट पे आ जाना है, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, देन फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ओपन मैट का ऑप्शन है, सो यहाँ पे क्लिक कर देना है ओपन मैट पे। सो ओपन मैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, ओपन मैट ओपन हो गया, देन फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ओपन मैट XLV11 ये रोमन में है, रिजल्ट न्यू, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर जो भी आपको एग्जाम के टाइम एडमिट कार्ड में अलॉट हुआ होगा उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये हो गया, आप इस तरीके से गूगल के थ्रू भी आप इस इंटरफेस पे आ सकते हो जो आपको दिख रहा है अभी, जो ये पेज दिख रहा है, या फिर मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ओपन कर लेना तो वो जो है डायरेक्टली आपको इस इंटरफेस पे ले आ जाएगा और आप यहाँ पे डायरेक्टली एंटर इनरोलमेंट नंबर मतलब जो भी आपको इनरोलमेंट नंबर एग्जामिनेशन टाइम मिला होगा उसको एंटर करोगे तो आपका रिजल्ट खुल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे अपना जो ओरिजिनल इनरोलमेंट नंबर हो उसको अगर इस तरीके से जैसे एंटर करते हो सिंपल सा, तो देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट या फिर इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड दिखेगा, ठीक है। तो आपका अपना इनरोलमेंट नंबर किस तरीके से एंटर करना है वही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी वीडियो में उसको बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो सिंपल सा इनरोलमेंट नंबर है 9 डिजिट का होगा, तो 9 डिजिट का जो इनरोलमेंट नंबर है उसमें आपको क्या करना है रिजल्ट चेक करने के लिए ओपन मैट का, उसमें आपको जो 3 डिजिट होगा 211 उसके बाद आपको एम लगाना है एंड देन फिर जितना बचा उसको वहां पे एंटर कर देना है। लेट सपोज ऐसे कुछ, जैसे देखिए यहाँ पे 211M और जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर फिर बचा उसको एंटर कर दीजिए, देन फिर सबमिट करोगे तो आपको आपका अपना रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन देखिए ये इनरोलमेंट नंबर मैंने ऐसे रैंडमली डाला है, देखिए यहाँ पे तो इसमें भी इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक रिजल्ट चेक करके दिखाता हूँ उसी तरह से एम लगा करके, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है 211M, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी है मैंने लिख दिया, आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे एंटर इनरोलमेंट नंबर जैसे ही आएगा वहां पे 211 और उसके बाद एम कैपिटल एम एंड देन फिर जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर बचा उसको एंटर करना है, देन फिर सबमिट करना है, तो आपका रिजल्ट जो है दिख जाएगा और वहां पे दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा इसके जगह पे, नाम देखिए नाम दिख जाएगा इसके सामने और आप क्वालिफाइड हो या फिर नहीं हो, ठीक है, वो भी दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे किसी बच्चे दूसरे बच्चे का ये इनरोलमेंट नंबर मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दिख जाएगा। एक और बच्चे का मैं दिखाता हूँ सेम तरीके से रिजल्ट, मतलब 211M और जो भी बच्चा उसको एंटर करना है तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये दूसरे बच्चे का रिजल्ट है, तो इनका भी मैंने इस तरीके से एंटर किया है 211M, राइट। उसके बाद फिर जो बच्चा उसको एंटर कर दिया और ये जो है नॉट क्वालिफाइड है, तो इसी तरीके से आपका रिजल्ट दिख जाएगा। एक दो और इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि गूगल के थ्रू आपको इग्नू ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, वहां पे फिर आपको रिजल्ट में जाना है, रिजल्ट के बाद आपको ओपन मैट खोलना है, फिर उसके बाद जब आप ओपन मैट खोलोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है, ठीक है, ये मैंने बताया था शुरू में आपको। तो देखिए जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट से आओगे और ओपन मैट का रिजल्ट चेक करोगे तो वहां पे नीचे जो ये इंटरफेस आएगा तो उस पर ये दिख रहा होगा,
जुलाई 2020 सेशन, द लास्ट डेट इज 30 नवंबर 2020। मतलब जो ये रिजल्ट और ये जो लिंक है यहाँ पे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये जुलाई 2020 सेशन का ही है, ठीक है। जनवरी 2021 सेशन का यहाँ पे लिंक एक्टिव अभी नहीं किया गया है, लेकिन मैंने बता दिया कि आप अपना रिजल्ट जनवरी 2021 सेशन का कैसे चेक कर सकते हो। लिंक उस रिजल्ट को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है डायरेक्टली। तो उसको जब आप खोलोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, और ये दोनों सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा उस पर लिखा रहेगा, फॉर जनवरी 2021 सेशन द लास्ट डेट इज जुलाई 31 2020। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट किया गया है इग्नू की तरफ से, 2020 यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे 2021 होना चाहिए था, 31 जुलाई 2021। अब ये एक्चुअली इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ आया नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो इग्नू के जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे एक और लिंक एक्टिव होगा, जो होगा जनवरी 2021 सेशन, जो कि आपने एग्जामिनेशन दिया है 11 अप्रैल 2021 को, जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन के लिए, तो उसका रिजल्ट अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया, वो जब भी आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन आप ये सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे जो भी चीज इंस्ट्रक्शन दिया गया इसको आप रेडी रखिए, आपको पता चल जाएगा आप कि मैं क्वालिफाइड हूँ या फिर नहीं है हूँ, तो इस सभी चीज को आप रेडी रखिए। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिया गया, जैसे आप लिंक खोलोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो आपको यहाँ पे जैसे ये खुल जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस के ऑप्शन में आकर के आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए उसको, ताकि हम आपको बता पाए। जब भी वीडियो बनाएंगे आप कमेंट कर देना कि मैं क्वालिफाइड हूँ नहीं क्वालिफाइड हूँ, और भी क्या वीडियो चाहिए इग्नूस के ओपन मैट से रिलेटेड या फिर बीएड से रिलेटेड, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जरूर लिखिए कि क्वालिफाइड हूँ या फिर मैं नहीं क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे, कैसे आगे हमें बढ़ना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कितने पेमेंट करने हैं, कब लास्ट डेट क्या है, कैसे सारी चीजें इग्नू के ओपन मैट बीएड जो भी इग्नू से रिलेटेड कुछ भी होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आप कमेंट कर देना बस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से मिला होगा आज, और आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है और आप लोगों के लिए भी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।